इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ ई एम एफ 1.25 वोल्ट गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर. इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाई अनदर सेल एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63 सेंटीमीटर, वट इज द ई एम एफ ऑफ द सेकेंड सेल. पोटेंशियोमीटर के दो यूज होते हैं. पहला होता है कि ई एम एफ कंपेयर करने में. पहला है आपने ई एम एफ ई वन लगाया तो उसने बैलेंस पॉइंट दिया एल वन के अक्रॉस. फिर दूसरा ई एम एफ आपने ई टू लगाया और बैलेंस पॉइंट दिया उसने एल टू के अक्रॉस. तो ई और एल आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं. तो ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू हो जाता है. तो पोटेंशियोमीटर का पहला यूज है बैटरी का ई एम एफ कंपेयर करने के लिए या बैटरी का ई एम एफ फाइंड करने के लिए. और दूसरा यूज होता है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए. तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ई एम एफ पे बेस्ड है. पहला ई एम एफ पहली लेंथ, दूसरा ई एम एफ दूसरी लेंथ, ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू. ई वन है 1.25 वोल्ट, ई टू आपको निकालना है. ई वन जब आपने लगाया तो लेंथ थी 35 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट था और ई टू लगाने पर 63 सेंटीमीटर पर. तो बस ये आपको कैलकुलेट कर लेना और यहाँ से क्या फाइंड कर लेना ई टू. ई टू हो जाएगा अननोन बैटरी का ई एम एफ. The number density of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. Number density जो है free electrons की, एक meter cube अगर copper है, एक meter cube volume का, तो उसके अंदर number of free electrons जो आएंगे वो 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube number of free electrons होंगे. अब पूछ रहे हैं एक electron को वायर की लेंथ दी है 3 मीटर, एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा. तो अगर मैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लूं तो टाइम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है. टाइम जो जाएगा लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो जो करंट होती है वो आई इज इक्वल टू होती है एनी एवीडी. करंट है, नंबर डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो यहां से अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें तो वो आ जाएगी आई अपॉन एन ई ए. सब कुछ है आपके पास, करंट है आपके पास 3 एम्पियर, नंबर डेंसिटी आपके पास है ही 8.5 इंटू 10 पावर 28, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6. तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और ये मीटर पर सेकंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी. जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी तो जो टाइम होगा तो बहुत सिंपल है. लेंथ कितनी जानी है 3 मीटर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने फाइंड ही कर ली है, तो इतने सेकंड में वो एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करके पहुंच जाएगा. द अर्थ सरफेस हैज ए नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10^-9 कूलम पर मीटर स्क्वायर. अर्थ की सरफेस जो है उस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है. ठीक है, कितनी है वो आपको दी है 10^-9 कूलाम पर मीटर स्क्वायर. नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ड्यू टू द लो कंडक्टिविटी ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर इन ए करंट ऑफ ओनली. जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपर एटमॉस्फेयर और सरफेस के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस 400 किलो वोल्ट है और रिजल्ट्स इन ए करंट ऑफ ओनली 800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब. आराम समझना, अर्थ की सरफेस और अपर एटमॉस्फेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, वो आपको दिया है 400 किलो वोल्ट. और जिसकी वजह से करंट जो है, करंट फ्लो हो रही है, करंट कितनी फ्लो हो रही है पूरे ग्लोब के ऊपर, जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो 1800 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है. If there is no mechanism of sustaining atmospheric electric field, then how much time would we require to neutralize the Earth's surface? Earth की surface का पूरा charge neutralize करने के लिए कितना time लगेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं. कितनी देर में पूरा का पूरा जो charge है वो neutralize हो जाएगा. तो current कितनी flow हो रही है ये आपको पता है. Total charge कितना ये हम निकाल लेते हैं. कैसे? चार्ज जो होगा वो हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल एरिया. टोटल एरिया होगा 4πr² r होगी अर्थ की रेडियस. तो इतना चार्ज है अर्थ की सरफेस पे और इस रेट से फ्लो कर रहा है 1800 कूलम पर सेकेंड, तो कितनी देर में पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी. कितना टाइम लेगा पूरा का पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाने में, तो वो जो टाइम आएगा वो आपका आ रहा है क्यू अपॉन आई. चार्ज कितना है, चार्ज होगा सिग्मा इंटू 4πr², काफी बड़ी वैल्यू आने वाली है, अपॉन करंट कितनी है 1800 एम्पियर. तो इतने सेकेंड का टाइम लगेगा, सारी वैल्यू आपको पुट करनी है.
चार्ज डेंसिटी आपको पता है, अर्थ की रेडियस आपको पता है, किलोमीटर नहीं मीटर्स में दी हुई है, स्क्वायर स्क्वायर करना है, तो यहां से आपको टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम में अर्थ की पूरी की पूरी सरफेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं आगे, कुछ कह रहे हैं, दिस नेवर हैपन्स इन प्रैक्टिस बिकॉज देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ रिप्लेनिश इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये कभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग डिफरेंट पार्ट्स में तो ये जो चार्ज है वो चार्ज दोबारा वापस आ जाता है सरफेस पे, यहां से लीक कर रहा है चार्ज और थंडर स्टॉर्म गिरा वापस से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए, फिर लीक करेगा, फिर थंडर स्टॉर्म हुआ, फिर लाइटनिंग हुई और फिर से चार्ज कहाँ आ गया, वापस आ गया। तो पूरी ग्लोब पे ये डायनेमिक प्रोसेस ही चलती रहती है, चार्ज सरफेस पे आता रहता है और वापस जाता रहता है, आता रहता है और वापस जाता रहता है। सिक्स, लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम आर जॉइंट इन सीरीज टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम। सिचुएशन समझो क्या हो रहा है, इसमें 6 बैटरीज हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, EMF है, इस तरह से 6 बैटरीज हैं टोटल, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ये करंट दे रही है। सबका EMF अगर E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो कितनी करंट फ्लो होगी, तो करंट जो फ्लो होगी तो 6 बैटरीज हैं तो नेट EMF 6 ही हो जाएगा, सब एक दूसरे के सपोर्ट में, और नेट रेजिस्टेंस R प्लस 6 स्मॉल R हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है बैटरीज का, तो ये नेट करंट हो जाएगी। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, इस पूरी सप्लाई का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो पूरी सप्लाई का टर्मिनल वोल्टेज वही होगा जो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये पूरे के पूरे सेल का ये सेटअप और ये रेजिस्टेंस आपस में किसमें पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल इस सेल के सिस्टम के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो डिस्चार्जिंग स्टेट में E-IR और उसमें मल्टीप्लाई कर लो 6 से, या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली I into R लिख लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, आप खुद से चेक कर सकते हो। करंट निकालो, या तो आप ऊपर से देखो तो एक सेल के अक्रॉस EMF कितना होगा E-IR, तो 6 के 6 के अक्रॉस कितना हो जाएगा E-IR into 6, यहां से भी आंसर वही आएगा जो कि यहां से आंसर आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IR। तो चाहे आप ये सॉल्व कर लो या ये सॉल्व कर लो, आपको दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आपको मिल जाएगा। करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट का ये फॉर्मूला आ गया। अब बी पार्ट, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन EMF ऑफ 1.9 वोल्ट एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम। एक कोई सेकेंडरी सेल है और उसमें उसका काफी टाइम से आप उसको यूज कर रहे हो, उसके अक्रॉस EMF ड्रॉप हो गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफी बढ़ गया है, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से मैक्सिमम कितनी करंट ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी सेल अगर है और कोई पूछे सेल से मैक्सिमम कितनी करंट आप ले सकते हो, तो आप सेल के दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दो बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो इस टाइम जो करंट आ रहा होगा वो मैक्सिमम करंट होता है। EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और मैक्सिमम करंट जो आएगा वो हो जाएगा E/R, क्योंकि अगर आपने कोई और रेजिस्टेंस लगा दिया तो डेफिनेटली करंट कम हो जाएगा, तो ये होगा आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट। कितना हो सकता है, कितना आएगा, ये 1.9 वोल्ट का सेल है और 380 ओम का रेजिस्टेंस है, तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे 200 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 0.005 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट जो है वो ड्रॉ करेगा, सेल से मैक्सिमम करंट इतनी ड्रॉ होगी। ठीक, पूछ क्या रहे हैं, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार, कार की जो स्टार्टिंग मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, लार्ज करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और इतनी कम करंट 0.005 एम्पियर उसको स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो इसमें आपको स्टेटमेंट लिख देना, सिंस ए लार्ज करंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोटर ऑफ ए कार सो द सेल कैन नॉट यूज टू स्टार्ट ए मोटर। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अनदर ऑफ कॉपर, दो वायर हैं, एक एल्यूमिनियम है एक कॉपर हैव सेम रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, पूछ रहे हैं दोनों में से किसका वेट, किसका मास जो है वो कम होगा, और एक्सप्लेन करना है, हैंस एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर टू ओवरहेड पावर केबल्स। ठीक है, जो ओवरहेड पावर केबल्स होती है उनके लिए हम एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं, कॉपर वायर यूज़ नहीं करते हैं, जबकि कॉपर की कनेक्टिविटी अच्छी होती है लेकिन कॉपर हैवी भी होता है। ठीक है, अगर हम ओवरहेड वायर्स के लिए, जो पावर केबल्स के लिए अगर हम कॉपर यूज़ करेंगे तो कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी,
बट वो इतना हैवी होता है, एक बात है वो हैवी होता है एक बात, और दूसरी बात क्या है वो महंगा होता है, ठीक है। इसलिए हम ओवरहेड पावर केबल्स में क्या यूज़ करते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम। घर के अंदर जो वायरिंग होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर। तो दो वायर हैं, लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की सेम है और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। एक कॉपर का है, पहला मान लिया एल्युमिनियम का है और दूसरा मान लिया किसका है, कॉपर का है। दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, रो वन ए वन ये एल्युमिनियम का है और रो टू एल अपॉन ए टू ये कॉपर का है। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अगर हम एरिया देखें, ए वन अपॉन ए टू, तो ए वन अपॉन ए टू जो मिलेगा वो आपका आ जाएगा रो वन अपॉन रो टू। तो देखें रेजिस्टिविटी क्या क्या है इनकी। एल्युमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है वो है 2.63 × 10⁻¹⁸, और कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.72 × 10⁻¹⁸। तो ये 10⁻⁶ × 10⁻⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रेशियो जो है ऊपर वाला टर्म ज़्यादा नीचे वाला टर्म छोटा है, और ये रेशियो आपको ये बता रहा है कि जो ए वन है वो ए टू से बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा होगा, तो उनका रेशियो है ए वन अपॉन ए टू का जो रेशियो आएगा आपका वो आ जाएगा 263/172। ये कुछ डिवाइड हो गए, कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ रही है आपकी 1.53, यानी एल्युमिनियम का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, अगर सेम रेजिस्टेंस के दो वायर लेने हैं सेम लेंथ में सेम रेजिस्टेंस, तो एल्युमिनियम का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कॉपर वाले से कितने टाइम्स ज़्यादा होगा, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होगा, 1.53 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक। अच्छा, अब अगर अब मास पूछा जाए कौन सा भारी होगा कौन सा हल्का होगा, मास अगर पूछा जाए तो एल्युमिनियम वायर का जो मास होगा, यहाँ इधर करते हैं, मास जो होता है वो होता है लेंथ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एल्युमिनियम वायर का मास निकालना है, तो लेंथ तो दोनों की सेम है, एरिया एल्युमिनियम वायर का, डेंसिटी एल्युमिनियम वायर की। और अगर कॉपर वायर का मास निकालना है तो लेंथ तो दोनों की सेम है, एरिया कॉपर वायर का और डेंसिटी कॉपर वायर की। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू जो है वो है 1.53, और डेंसिटी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की डेंसिटी कितनी है, 2.7, और कॉपर की रिलेटिव डेंसिटी 8.9। तो रेशियो जो होगा वो इनकी रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो के बराबर हो जाएगा। एल्युमिनियम की है रिलेटिव डेंसिटी 2.7 और कॉपर की है 8.9। जरा अगर इसको सॉल्व करें हम, इंटू 2.7 करेंगे तो ये जो मास का रेशियो आ रहा है वो 0.46 के आसपास आ रहा है। एरिया एल्युमिनियम का ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी उसकी इतनी कम है कि ओवरऑल जो मास आया एल्युमिनियम का वो कम आया और कॉपर का मास ज़्यादा है। मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर, ये जो रेशियो आया वो कितना आया, वो हाफ के आसपास है, 0.46 के आसपास है। तो सेम रेजिस्टेंस सेम लेंथ के दो वायर अगर हम लें, एक एल्युमिनियम का एक कॉपर का, तो एल्युमिनियम का मास कॉपर के मास का अप्रोक्सीमेट क्या आता है, हाफ। इसलिए ओवरहेड पावर केबल्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम। पहली बात वो लाइट वेट है, दूसरी बात वो चीप है, कॉपर के रिस्पेक्ट में वो चीप है। अगर कहीं कोई थेफ्ट होती है एल्युमिनियम वायर अगर चुरता है तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर कॉपर के वायर की अगर थेफ्ट होती है तो लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो दो वजह हैं, एक तो वो हल्का होता है, दूसरा वो चीप है। वॉट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन ए रजिस्टर मेड अप ऑफ अलॉय मैग्नेनिन। एक अलॉय है मैग्नेनिन, और उस अलॉय पे एक टेबल बनाई गई है, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट मतलब इतना वोल्टेज अगर लगाया उसके अक्रॉस इतनी करंट है, फिर इतना वोल्टेज है, फिर इतनी करंट है, फिर इतना वोल्टेज है, इतनी करंट है। वोल्टेज और करंट का रेशियो जो है वो एक सेट बनाया गया है, ठीक। और इससे क्या ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं वो हमें फाइंड करना है, ठीक। तो V इक्वल टू IR होता है, तो आपके पास कई सारे वोल्टेज और करंट के ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें गौर से आप समझो, मान लिया इतना वोल्टेज है तो इतनी करंट है, फिर वोल्टेज मैंने डबल कर दिया, गौर से देखो वोल्टेज डबल हुआ है, अप्रोक्सीमेट डबल हुआ है वोल्टेज।
तो करंट भी अप्रोक्सीमेट क्या हो गई है, डबल हो गई है। या हम अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग करंट के कॉम्बिनेशन से अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और वो रेजिस्टेंस अगर सारी वैल्यूज सब जगह से ऑलमोस्ट सेम आता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रजिस्टर है वो ओमिक रजिस्टर है। ओमिक जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें वी और आई आई का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। वी और आई का ये जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। वी इज इक्वल टू आई आर और इसकी स्लोप जो होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो पहले केस से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस वी अपॉन आई बनेगा, यानी 3.94 डिवाइडेड बाई 0.2। पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटके यहाँ आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19.7 ओम। रेजिस्टेंस जो आ गया वो आपको कितना आ जाएगा, 19.7 ओम। अगर दूसरी वैल्यू से निकालें रेजिस्टेंस, दूसरी रीडिंग से निकालें, 7.87 डिवाइडेड बाई 0.4, तो इससे भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही आएगी। तो आप किसी भी एक वैल्यू से आप निकाल सकते हो, कि कहीं से भी आप निकाल सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस मोर और लेस सेम आ रहा है, इसका मतलब वी और आई ग्राफ मोर और लेस कैसा होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो आखिरी वाले में वोल्टेज है 158 और करंट है 8 एम्पियर। यार यहाँ से डिवाइड करें तो 1 7 78, तो 9 टाइम्स 72 6, अप्रोक्सीमेट 19.7 के आसपास ही आपको मिलेगा। तो ये यहाँ से ये पता लग रहा है टेबल से कि V और I का जो ग्राफ है अगर हम बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, और ये एक ओमिक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 19.7 ओम के आसपास है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए स्टडी करंट फ्लोज इन ए मेटलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक मेटलिक कंडक्टर है, इस तरह से एक मेटलिक कंडक्टर है ये। ठीक है, कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, फिर ज़्यादा है, इस तरह से एक मेटलिक कंडक्टर है नॉन यूनिफॉर्म, और एक स्टडी करंट फ्लो हो रही है पूरे वायर में, एक स्टडी करंट फ्लो हो रही है आई। पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज क्वान्टिटीज इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अलोंग कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कांस्टेंट होंगी, तो करंट तो कांस्टेंट ही होगी, करंट जो करंट यहाँ होगी वही करंट यहाँ होगी, वही करंट यहाँ होगी, करंट तो है वो कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, तो करंट तो आपकी कांस्टेंट होगी, लेकिन करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, इसलिए करंट डेंसिटी जो है वो हर जगह अलग अलग होगी, वो पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी सारे क्रॉस सेक्शन पे अलोंग द वायर, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, समझो कैसे, आई इज इक्वल टू होता है NEAVD, ये फॉर्मूला होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EE/m × τ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दें तो करंट जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी NEA, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है अपॉन एम। रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब आप गौर से देखो, करंट तो कांस्टेंट है लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा करंट इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन NE²A×τ। करंट तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो भी कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ कम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ड्रिफ्ट स्पीड तो आपको दिख ही रही है, यहाँ से अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड निकालें तो ड्रिफ्ट स्पीड जो आ जाएगी VD वो आ जाएगी करंट अपॉन NEA। करंट तो कांस्टेंट है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे आ गया, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का अगर वायर है तो उसमें सिर्फ करंट कांस्टेंट होगी, ना करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ना ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट होगी। क्लियर, अब जरा बी पार्ट करते हैं। इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है,
नॉन ओमिक के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। नॉन ओमिक जैसे कि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें वी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, ओम्स लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। उनका रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं होता है, उनका रेजिस्टेंस भी इस बात पर डिपेंड करता है कि अप्लाइड वोल्टेज कितना है। कह रहे हैं इफ नॉट गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, तो एक एग्जाम्पल हो गया सेमीकंडक्टर, दूसरा हो गया वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के जो डायोड्स होते हैं उसमें भी ओम्स लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर। अब जरा सी पार्ट करते हैं। ए लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट, एक लो वोल्टेज की सप्लाई है उसमें से हाई करंट आपको निकालना है, लार्ज करंट निकालना है, तो आपको उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वो बहुत ही छोटा लगाना पड़ेगा। क्यों? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ समझो क्या, वी इज इक्वल टू आई आर, तो जो करंट एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे वी वोल्टेज से आर रेजिस्टेंस लगा के, तो वी अपॉन आर आएगी। अगर वी आपका लो है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, तो रेजिस्टेंस को आपको वेरी वेरी लो करना पड़ेगा, तब हाई करंट प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वोल्टेज मान लिया आपका 0.3 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस आप 0.00003 करो, तब जाके आपको बहुत हाई करंट मिलेगी। तो वोल्टेज अगर कम होगा और उसमें से भी हाई करंट आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होगा उस सिस्टम का वो बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए। क्लियर। डी पार्ट, ए हाई टेंशन सप्लाई, जो हाई टेंशन सप्लाई होती है 11,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, ठीक है, 6 kV, 6,000 वोल्ट है, ये मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। हाई टेंशन सप्लाई का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होना चाहिए। क्यों? फिर से ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, मान लिया 6,000 वोल्ट की सप्लाई है, और रेजिस्टेंस अगर कम हो गया, रेजिस्टेंस मान लिया 10 ओम ही हुआ, तो ये जो करंट है ये 600 एम्पियर की करंट होगी, और 600 एम्पियर की करंट बहुत ज़्यादा होगी, पूरे सर्किट को बर्न कर देगी। तो अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस भी आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके करंट जो है वो सेफ लिमिट के अंदर आएगी। अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगी तो पूरा सर्किट बर्न हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हाई टेंशन सप्लाई है, हाई वोल्टेज सप्लाई है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, तभी उसमें करंट जो है वो लिमिट के अंदर होगी, सेफ रीजन, सेफ लिमिट के अंदर होगी और सर्किट बर्न नहीं होगा। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसमें आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करने हैं। अलॉयज ऑफ मेटल यूजली हैव ग्रेटर और लेस रेजिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, तो जो अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी उन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन, लेस नहीं, अलॉयज की रेजिस्टिविटी प्योर मेटल से ज़्यादा होती है। बी पार्ट, अलॉयज यूजली हैव मच लोअर और हायर टेम्परेचर कोफिशेंट, अलॉयज का जो टेम्परेचर कोफिशेंट होता है वो लोअर होता है, मतलब प्योर मेटल को अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें के रेजिस्टेंस में बहुत तेजी से वेरिएशन आता है, जबकि अलॉयज के रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो दे हैव मच लोअर टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नेनिन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ और इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मैग्नेनिन अलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट होती है, कॉन्स्टेंट ही रहती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं आता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा अलॉयज का जो टेम्परेचर कॉफिशेंट है वो काफ़ी कम होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर चेंज करने से उनके रेजिस्टेंस में, उनके रेजिस्टिविटी में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और उसका ये एग्जाम्पल हो गया कि जो मैग्नेनिन अलॉय है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो नियरली इंडिपेंडेंट होती है इंक्रीज इन टेम्परेचर के। लास्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है मेटल से, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो 10^3 के ऑर्डर से नहीं, 10^22 के ऑर्डर से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। गिवन एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब होगा जब सबके सब आपको, सबके सबको आप सीरीज में, जो आर का एक रेजिस्टेंस और एन रेजिस्टेंस है आपके पास, सबके सबको अगर आप सीरीज में जोड़ दोगे तो नेट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, वो होगा एन आर, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी आर प्लस आर प्लस आर, एन टाइम्स ऐड करोगे तो एन आर हो जाएगा, तो ये होगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस।
और मिनिमम रेजिस्टेंस तब होगा जब आप सबको पैरेलल में जोड़ोगे, सबको उठा के किस में जोड़ दोगे आप, इस तरह से पैरेलल में जोड़ते चले जाओगे। तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, और वो कितना होगा, वो हो जाएगा आर बाई एन। कैसे आएगा ये, 1/R + 1/R + 1/R ऐड करते जाओगे, तो 1/R नेट जो आने वाला है वो 1/R + 1/R इस तरह से जोड़ते जाओ कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो ये बनेगा N/R। तो आर नेट कितना आ जाएगा, R/N। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस, और इनका रेशियो पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम रेजिस्टेंस, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम का रेशियो भी पूछा गया आपसे। तो आर मैक्स है आपका एन आर, और आर मिनिमम है एन बाई आर, सॉरी आर बाई एन। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, इनका जो रेशियो आ गया वो आ जाएगा N² = 1, ये मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो आ जाएगा। ठीक, ए पार्ट हुआ। अब जरा बी पार्ट करते हैं। तीन रेजिस्टेंस आपके पास, 1, 2 एंड 3, और उनको कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बनाना है, 11/3, 11/5, 6 ओम, 6/11। ठीक है, तो हम रैंडमली बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हम सबको सीरीज में लगा दें, 1, 2, 3, तीनों को सीरीज में लगा दिया तो ये 6 ओम हो जाएगा। ठीक, तीनों को अगर हम पैरेलल में लगा दें तो रैंडमली कंबाइन कर रहे हैं कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा आपको। तो 1/1 + 1/2 + 1/3 ये हो जाएगा 1/R नेट। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो ये बनेगा 6 + 3 + 2 = 1/R नेट। तो आर नेट आपका जो आ गया वो आ गया 6/11। तो 6/11 भी मिल गया आपको। 6 ओम कब मिलेगा, जब आप सबको सीरीज में लगाते हो। 6/11 ओम कब मिलेगा, जब आप सबको पैरेलल में लगाते हो। अब और क्या कर सकते हैं, अब दो को सीरीज में लगा के उसके साथ एक पैरेलल में लगा के देखें। 1 और 2 को हमने लगाया सीरीज में, उसके साथ 3 लगा दिया पैरेलल में। तो 1 और 2 का कितना हो जाएगा, 3, और 3 और 3 का पैरेलल में हो जाएगा 3/2। क्या 3/2 कोई कोई ऑप्शन दिया है, नहीं। ठीक है, कुछ और करते हैं। ऐसा करते हैं कि 2 और 3 को, वन और थ्री को लगाते हैं जरा पैरेलल सीरीज में, उसके साथ 2 लगाते हैं पैरेलल में, जरा ये देखते हैं ये क्या बनेगा। तो 1 और 3 का हो जाएगा 4, 4 और 2 को पैरेलल में लगाया तो इसका बनेगा 4 × 2/4 + 2। तो ये आपका आ गया 4/3। क्या ये कोई है, ये भी नहीं है। ठीक, अच्छा और क्या करते हैं, और अगर हम 2 और 3 को लगाएं सीरीज में, उसके साथ 1 को लगाएं पैरेलल में, तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस 1 से भी छोटा आएगा, और वो तो कोई है नहीं। ठीक है, तो अब कुछ और ट्रिक खेलते हैं। अब क्या करते हैं कि पहले 2 को पैरेलल में लगाते हैं, उसके साथ फिर एक सीरीज में लगाते हैं। जैसे 1 और 2 को पैरेलल में लगाया, उसके साथ 3 सीरीज में लगाया, तो 1 और 2 का हो जाएगा 1 × 2/1 + 2 यानी 2/3, और 2/3 के साथ 3 सीरीज में लगाया तो 3 × 3 = 9 + 2 11/3 हो जाएगा। हाँ, ये एक आंसर है, ये ए पार्ट वाला है 11/3 ओम। तो 1 और 2 को हम किस में लगाएंगे, पैरेलल में, उसके साथ 3 किस में लगा रहे हैं, सीरीज में। इसी तरह से हम और भी खेल सकते हैं, 2 और 3 को लगाएं हम पैरेलल में, उसके साथ 1 को लगाते हैं सीरीज में। 2 और 3 का हो जाएगा 2 × 3/2 + 3 यानी 6/5, उसके साथ 1 का लगाया हमने सीरीज में, तो ये आपका बन गया 11/5। तो ये भी एक आंसर है, 11/5 भी है उसमें एक आंसर। तो हमने सारे कॉम्बिनेशन ढूंढ लिए कि कब हमें क्या मिलने वाला है। ठीक, अब जरा सी पार्ट पे चलते हैं। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर 3.31। 3.31 फिगर है, और उसका मैं बताता हूँ आपको कैसा वो फिगर है, और उसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। ठीक, तो 3.31 जो फिगर है उसमें दो हैं फिगर, तो पहला जो है ए पार्ट वो आप देखिए क्या है उसमें। उसमें डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये है, फिर ये है, सेटअप में ड्रॉ कर रहा हूं आप देखते जाइए, और ये 1 ओम, यहां भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ऊपर वाले सारे 1 1 ओम है, ये सारे 1 ओम है।
और नीचे नीचे सारे 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 है, 2 है, ये सारे 2 2 ओम है। और इस सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस तो आराम समझना आपको, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ये 2 और 4 आपस में पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 यानी 6, 2 3 जा 6, 4/3, एक यूनिट का बन गया 4/3। तो 4/3 इसका, 4/3 इसका, 4/3 इसका, 4/3 इसका, है ये 4/3, 4/3 की चार यूनिट्स हैं, चारों के चारों सीरीज में, तो इनका हो जाएगा 4 × 4/3, तो नेट बन गया आपका 16/3 ओम। 4/3, 4/3, 4/3, 4/3 ऐड करते चले जाएंगे चार बार, तो 16/3 ओम आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब दूसरा डायग्राम देखो कैसा है। एक दो तीन चार पांच रेजिस्टेंस हैं और ये यहाँ पे सर्किट है। ये पॉइंट एक टर्मिनल ये है मान लेते हैं ए, एक टर्मिनल ये है मान लेते हैं बी, और ये सारे के सारे आर रेजिस्टेंसेस हैं। अब ये कैसे भी दिख रहे हो लेकिन आप गौर से देखो ये सब के सब सीरीज में है। इस रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से इस रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट है, फिर इसके एक टर्मिनल से इसका दूसरा कनेक्ट है, फिर इसके एक टर्मिनल से इसका दूसरा कनेक्ट है, और इस तरह से आपस में कनेक्टेड है। तो ये पांच के पांच रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। अगर हम एक बैटरी लगाते हैं ए और बी के अक्रॉस, तो जो करंट यहां से चलेगी, जो करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगी आई, वही करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, और वही करंट इसमें आके बैटरी के पास वापस आ जाएगी। तो सारे के सारे रेजिस्टेंसेज में करंट जो फ्लो हो रही है वो सेम है। ये पांचों के पांच रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। सीरीज की पहचान होती है कि रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से दूसरे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल कनेक्ट हो, और वहां से कोई थर्ड कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक टर्मिनल से एक टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए और वहां से कहीं कोई थर्ड कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सीरीज की पहचान है। तो इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये और इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये आपस में कनेक्टेड है और यहां से कहीं कोई थर्ड कनेक्शन नहीं है। इसी तरह से इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ये और इस रेजिस्टेंस का भी एक टर्मिनल ये आपस में कनेक्टेड है और यहां से कहीं कोई थर्ड कनेक्शन नहीं है। इस तरह से ये सबके सब किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 5R। क्लियर। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क शोन इन फिगर 3.32। ये एक नेटवर्क है, इनफाइनाइट नेटवर्क है, ये इस तरह से 1 1 1 1 1 लगेगा और ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया। ठीक, इन्फाइनाइट यूनिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं, इन्फाइनाइट नेटवर्क है, हर किसी का रेजिस्टेंस 1 ओम है। और यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई है इससे, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 0.5 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कितनी करंट ड्रॉ करेगा, वो करंट आपसे पूछी गई है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें आर नेट बताना है कि ये जो इन्फाइनाइट नेटवर्क है इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, और आर नेट निकलते ही हम तुरंत करंट निकालेंगे कितनी करंट वो ड्रॉ करेगा। तो इन्फाइनाइट के सेटअप जो होते हैं वो सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको समझना है। जैसे ये जो सेटअप है इसको मैं थोड़ा पलट के बनाता हूँ, यहाँ से इधर से बनाना शुरू करता हूँ, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर आगे ये 1 ओम, फिर 1 ओम, फिर ये 1 ओम। ठीक है, यहाँ मैं बैटरी लगाने वाला हूँ और ये सारे 1 1 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं। इस तरह से यहाँ 1 ओम है, यहाँ 1 ओम है, और यहाँ पे भी क्या है, 1 ओम, और इस तरह से ये इन्फाइनाइट पैटर्न जो है रिपीट कर रहे हैं। मैंने मान लिया इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें इन्फाइनाइट यूनिट्स हैं। अगर मैं एक दो यूनिट्स यहाँ से हटा भी दूंगा तब भी जो रिमेनिंग यूनिट्स बचेंगी उनका रेजिस्टेंस भी कितना होगा, आर ही होगा, और उनका टोटल भी कितना बनेगा, आर ही बनेगा। ठीक है, अगर इसमें इन्फाइनाइट यूनिट्स का रेजिस्टेंस अगर आर है तो अगर एक यूनिट मैंने हटा भी दी, अलग कर दी, तो रिमेनिंग जो सेटअप बचा उसका रेजिस्टेंस मैं पूछूंगा तो वो भी क्या बताओगे, आर। तो मैंने एक यूनिट बस हटा लिया, ये 1, वन वन और ये 1, एक यूनिट मैंने हटा ली है, और जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उनका नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, आर, और आर के साथ ये 1 1 सब कुछ मिला के भी नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, आर। तो आप एक क्वेश्चन समझो, ये आर और 1 किस में आपके पैरेलल में, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इंटू वन अपॉन आर प्लस 1,
और उसके साथ ये 1 ओम और ये 1 ओम किसमें है, सीरीज में, तो +1 +1 ये नेट रेजिस्टेंस हो गया, और ये नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, आर के बराबर ही होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस की अगर यूनिट्स हैं, इन्फाइनाइट यूनिट्स का रेजिस्टेंस आर है, तो एक दो यूनिट अगर हम हटा भी देते हैं तो रिमेनिंग का भी रेजिस्टेंस क्या होगा, आर, और उस आर के साथ एक दो यूनिट जोड़ भी दोगे तब भी नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर। तो मैंने एक यूनिट हटाई और उस हटाने के बाद जो रिमेनिंग बच गया उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आर, और उस आर में अगर मैंने एक यूनिट जोड़ भी दी तब भी उसका रेजिस्टेंस कितना बनेगा, आर। तो ये सेटअप होता है, इसको हम इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो 2 को अगर उधर ले जाएंगे तो आर अपॉन आर प्लस 1 जो आएगा वो इक्वल टू आ गया आर माइनस 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आर इक्वल टू बन जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस आर, तो माइनस आर माइनस 2, तो ये इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे और रूट से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए, तो ये आपका आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 8 प्लस 4 12 होता है, 12 टू रूट 3 होता है, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 3, रेजिस्टेंस निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, तो 1 प्लस रूट 3 रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस जो आ गया सेटअप का 1 प्लस रूट 3 यानी 2.732, रूट 3 होता 1.732 प्लस 1 करेंगे 2.732, ये ओम नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब कितनी करंट ड्रॉ करेगा, तो जो नेट करंट होगी वो जाएगा नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो 2.732 तो ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इंटरनल कितना है 0.5। ये आप सॉल्व कर लोगे, आपको नेट कितनी करंट बैटरी से ये सिस्टम एक्सट्रैक्ट करेगा वो आपको मिल जाएगा। फिगर 3.33 शोज ए पोटेंशियोमीटर विद ए सेल ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम मेंटेनिंग ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस अक्रॉस द वायर ए वी। पोटेंशियोमीटर का सेटअप है, ये प्राइमरी सेल है, ये पोटेंशियोमीटर की बैटरी है 2 वोल्ट की, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम है और ए बी के अक्रॉस वो पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन कर रही है, ठीक। एक स्टैंडर्ड सेल है जो अपने अक्रॉस एक कांस्टेंट ईएमएफ मेंटेन करके रखता है 1.02 वोल्ट का, लेकिन ये कांस्टेंट ईएमएफ तब मेंटेन कर पाता है जब उसमें से पास होने वाली करंट जो है वो काफ़ी कम होती है। अगर उसमें से बहुत ज़्यादा करंट अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो कांस्टेंट तब रहेगा जब उसमें से जो करंट है वो वेरी मॉडरेट करंट अप टू फ्यू मिली एम्पियर अगर हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो बैलेंस पॉइंट दे रहा है कितनी लेंथ पे, 67.3 सेंटीमीटर पे। अच्छा, बहुत लो करंट कैसे इंश्योर कर रहे हैं, तो लो करंट हम इंश्योर कर रहे हैं उसके सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा के, 600 किलो ओम बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाया है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहेगा भी तो करंट जो है वो बहुत कम फ्लो करेगी, और जब हम बैलेंस पॉइंट के करीब पहुंच रहे होते हैं तो फिर हम करंट ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी होती है, तो उस सर्किट इस रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जब हम बैलेंस पॉइंट से दूर हों तो ज़्यादा करंट फ्लो होने के चांसेस होंगे, तो वो चांसेस को कैसे निगलेक्ट कर रहे हैं हम, कैसे हटा रहे हैं उनको, एक हैवी रेजिस्टेंस लगा के सीरीज में, और जब हम बैलेंस पॉइंट के करीब पहुंच जाएंगे, जब गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होगा, बैलेंस पॉइंट के हम करीब ही होंगे, तब इस रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको शॉर्ट सर्किट करके इसको हटा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये जो अननोन ईएमएफ की बैटरी है इसका और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा करंट एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यही पूरी प्रोसेस उन्होंने यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद फिर इस स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस करने हैं अननोन ईएमएफ के सेल से, और लेंथ आई है 82.3 सेंटीमीटर ऑफ वायर, और सबसे पहले पार्ट में अननोन ईएमएफ ही पूछा है, तो सिंपल सी बात है, ईएमएफ जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। E2 ईएमएफ फाइंड करना है और E1 कितना है, E1 है आपका 1.02 वोल्ट, L2 लेंथ है 82.3 सेंटीमीटर और L1 है 67.3। तो ये सॉल्व कर लेना आपको ये इक्वेशन और आपको अननोन बैटरी का ईएमएफ आपको पता लग जाएगा। दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं, व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव।
600 किलो ओम रेजिस्टेंस लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर मान लिया बैलेंस पॉइंट नहीं भी मिल रहा है तो अभी जो करंट एक्सट्रैक्ट होगी वो वेरी स्मॉल होगी, और करंट अगर स्मॉल होगी तो बैटरी के अबाउट, सेल के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट रह पाएगा। सी पार्ट, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस? जी नहीं, क्योंकि बैलेंस पॉइंट पे तो रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, और बैलेंस पॉइंट पे तो करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो होती नहीं है, तो रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाई रेजिस्टेंस होने से बैलेंस पॉइंट अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डी पार्ट, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल? ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा। तो इसको थोड़ा ढंग से समझना है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा, तो इसको डरा ढंग से समझना आराम से। ये 2 वोल्ट की बैटरी, बहुत थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया आपने, तो इस 2 वोल्ट का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ए और बी के अक्रॉस होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है ये, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस मान लिया 9 ओम है। तो 9 ओम और 1 ओम के अबाउट टोटल 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 9 ओम के अबाउट कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, और आप जिस बैटरी को आप बैलेंस कर रहे हो, मान लिया वो 4 वोल्ट की बैटरी है, तो 4 वोल्ट की बैटरी 9 ओम का रेजिस्टेंस है, 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बैलेंस करना होगा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये कितने कितनी लेंथ के अक्रॉस बैलेंस होगा? तो ये पूरी लेंथ के अक्रॉस 9 वोल्ट है, मान लिया 4 वोल्ट नहीं, 4.5 वोल्ट कर लेते हैं इसको, 4.5 वोल्ट कर लेते हैं, और पूरी लेंथ के अक्रॉस 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 4.5 वोल्ट बैलेंस होगा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, ठीक 50 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लिया 9 ओम लगाया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 9 ओम कर लिया, और ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम। जब दोनों बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल भी ये बराबर बराबर बांटेंगे, तो दोनों के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 5 वोल्ट हो जाएगा। इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट टोटल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के अक्रॉस, और बैटरी है 4.5 की, तो डेफिनेटली ये जो बैलेंस करेगा वो काफ़ी एंड में जाके करेगा। तो बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंस पॉइंट इस बात पे बिल्कुल डिपेंड करेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होता जाएगा बैलेंसिंग लेंथ भी कम होती जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल? बिल्कुल अफेक्ट होगा, यस। और प्रीवियस वाले का आंसर क्या था? नो। अब ई पार्ट समझना आपको, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैज एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट? अब ड्राइवर सेल आपका 1 वोल्ट का है और जो बैलेंस कर रहे हो वो आपका 1.02 वोल्ट है, तो ये तो पूरे वायर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पूरे वायर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट से कम होगा, क्योंकि 1 वोल्ट का कुछ हिस्सा तो पोटेंशियल डिफरेंस इस 0.4 ओम के अक्रॉस खर्च हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ होगा। तो पूरे ड्राइवर, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल 1 वोल्ट से कम है, तो वो 1.02 वोल्ट के सेल को कैसे बैलेंस लेंथ प्रोवाइड करा देगा? इसका मतलब कोई भी बैलेंसिंग पॉइंट वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो ये मेथड काम करेगा नहीं करेगा। वायर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए वो अननोन ईएमएफ की बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से थोड़ा सा तो एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको बैलेंस पॉइंट मिल जाए। एफ, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ? बहुत छोटे ईएमएफ अगर आपको मेजर करने हैं, बहुत छोटा अगर ईएमएफ होंगे तो बैलेंसिंग पॉइंट बहुत स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ए के बहुत करीब मिल जाएगा, तो उससे एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एरर मिनिमाइज तब होता है जब बैलेंसिंग लेंथ और टोटल लेंथ आपस में सेम ऑर्डर की हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेटअप, हम अगर हमें फ्यू मिली वोल्ट मेजर करना है तो हम ये जैसे मान लीजिए 10 मिली वोल्ट आपको मेजर करना है, तो आप ये चाहोगे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 12 मिली वोल्ट, 15 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट, किस कुछ इस ऑर्डर का हो। तो इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सस्टेन करेंगे हम? तरीका है हमारे पास, हम क्या करेंगे पोटेंशियोमीटर की बैटरी के साथ एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस लगा देंगे और फिर ये वायर कनेक्ट करेंगे ताकि इस बैटरी का मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस खर्च हो जाए और पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस बहुत ही कम रेजिस्टेंस, कम पोटेंशियल डिफरेंस रहे।
उतने ही मिली वोल्ट रहे, उसी ऑर्डर में रहे जिस ऑर्डर में आप मेजर करना चाहते हो, उससे थोड़ा सा क्या हो, ज़्यादा हो, ताकि आपको आराम से आपको क्या मिल जाए, बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए यहाँ पे। क्लियर? फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेज। इस तरह का सेटअप है, ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर की बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और पहले रेजिस्टेंस अगर हम ये वाली की क्लोज कर देंगे तो ये आर वन रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा, अगर हम ये वाली की क्लोज करेंगे उसको ओपन करके तो एक्स रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, बैलेंस पॉइंट विद स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम के साथ जो बैलेंस पॉइंट उसको मिल रहा है वो 58.3 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, वाइल दैट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स के साथ जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो 68.5 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। जब इसकी प्रेस करके आर रेजिस्टेंस की अबाउट बैलेंस पॉइंट देख रहे हैं तो वो मिल रहा है आपका 58.3 सेंटीमीटर पे। फिर जब इस की को क्लोज किया होगा, इसमें से करंट फ्लो हो रही होगी, तो इस एक्स के अबाउट जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, सॉरी, इस एक्स के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इस एक्स के अबाउट जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 68.5 सेंटीमीटर पे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्प्यूट है कि अगर ये बैटरी है और इसमें अगर इसके साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो इस बैटरी के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस और इस रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, चाहे फिर वो एक्स आर हो चाहे वो एक्स हो। इस बैटरी के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस और इस आर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अगर इस बैटरी के पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है जब आर कनेक्ट किया है, और जब एक्स कनेक्ट किया है तब इस बैटरी के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस और इस एक्स के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस आर के अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैलेंस बैलेंसिंग पॉइंट वाले वायर, अगर मान लिया बैलेंसिंग पॉइंट सी पे है तो वायर ए सी के अक्रॉस होगा। तो अगर इस बैटरी पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो चाहे आप आर कनेक्ट करो या एक्स कनेक्ट करो, दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। जब आप आर कनेक्ट करोगे तब भी बैटरी के ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब आप सिर्फ एक्स कनेक्ट करोगे तब भी बैटरी के ईएमएफ के बराबर ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये बैलेंसिंग पॉइंट तो चेंज होना नहीं चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। अगर बैलेंसिंग पॉइंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाओ तो सिंपली ऐसा कह सकते हो कि ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आई आर होता है। तो पहले केस में आई आर होगा, दूसरे केस में आई एक्स होगा, लेकिन ये तब होगा जब करंट सेम होगी, ठीक है, तब करंट से करंट कैंसिल हो जाएगी। और अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, बैटरी ईएमएफ हुआ और रेजिस्टेंस अलग अलग है तो ये करंट सेम नहीं होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, आई से आई हम कैंसिल कर लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए तो ये हो ही जा रहा है, आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या जा रहा है, एल वन अपॉन एल टू। तो जो एक्स आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एल टू अपॉन एल वन इंटू आर। एल टू की वैल्यू कितनी है, 68.5, एल वन कितना है 58.3, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। आप सॉल्व कर लोगे आपको ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, क्लियर। अब जरा ये पूछ रहे हैं, व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ ईएमएफ। अगर किसी ईएमएफ के साथ अगर आप बैलेंस पॉइंट नहीं आपको मिल पा रहा है किसी रेजिस्टेंस के साथ, इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ए बी टोटल वायर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा हो जाएगा। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और लगा देंगे, ताकि इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर डैश के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इस आर के अबाउट यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर डैश, ताकि इस बैटरी का ईएमएफ इस आर और आर डैश के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और आर के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो जाए, और इतना कम हो जाए ताकि बैटरी के टोटल पोटेंशियोमीटर वायर के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जाए, ताकि आपको किसी बीच में किसी पॉइंट पे क्या मिल जाए, बैलेंस पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है तो उस आर के साथ सीरीज में हम क्या लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाएंगे, ताकि उस आर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए और आपको आसानी से एक बैलेंस पॉइंट मिल जाए। क्लियर? फिगर शोज ए 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल। 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर की बैटरी है, 2 वोल्ट इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी के अबाउट, और इससे हम 1.5 वोल्ट की इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्मॉल आर।
तो तरीका आपको पता होना चाहिए। पहले हम डायरेक्ट सेल लगाते हैं तो उसका जो ईएमएफ होगा उसके प्रोपोर्शनल एक लेंथ मिल जाती है L1, और दूसरे केस में उस सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये एक इंटरनल सर्किट बन जाता है जिसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ई नहीं कहते हैं, उसको ई माइनस आई आर वन कहते हैं, आई आर, ई माइनस आई आर कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम वी वी कह देते हैं, और इसके प्रोपोर्शनल लेंथ मिलती है L2। तो L1 और L2 फाइंड कर लेते हैं, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर ये रेजिस्टेंस होता है जो सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए आपने लगाया होता है। तो ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला आता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का। तो L1 कितना दिया है, L1 होगा डायरेक्ट EMF जब बैलेंस कर रहे होते हैं, तो L1 जो है वो है 73.76.3 अपॉन L2 तब होता है जब कैपिटल आर के साथ करंट फ्लो करा देते हैं, तो बैलेंस पॉइंट ये L2 होगा 64.8 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल आर कितना है आपका 9.5 ओम, ये कैपिटल आर है। कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा।